अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैजान रज़ा कादरी आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और हम लोग आए हैं अभी मुंबई में और थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं हाजी अली दरगाह की ज्यारत के लिए, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। यहाँ पर हमने ये रूम रखा हुआ है। आज मैं ऐसी जगह पर आया हूँ, इतना खूबसूरत दिलकश नज़ारा है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं इसे देखने के लिए। यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के, हर कास्ट के लोग आते हैं। और यहाँ इतना खूबसूरत नज़ारा है जिसे देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो इस मकाम पर आप ज़रूर आइए और आप इस मुकद्दस जगह की ज़ियारत भी आप ज़रूर कीजिए। देख सकते हो आप यहाँ पे भीड़ यहाँ से हमें अंदर जाना है। काफी गर्मी है यहाँ पर, दरगाह में जाने के लिए यहाँ से चल के जाना पड़ता है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हाजी अली दरगाह पे पहुँच चुके हैं, तो चलिए अंदर जाके इनकी ज़ियारत करते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। यहाँ पर अलग ही अल्लाह की कुदरत आपको नज़र आएगी। आप देख रहे हैं पूरा समुंदर ही समुंदर है, हर तरफ समुंदर है और ये नज़ारा मेरी आंखों के सामने है। तो मैं आपको इस दिलकश नज़ारे की ज़ियारत कराता हूँ, तो चलिए आइए देखते हैं वो नज़ारा। हाजी अली सरकार का पूरा नाम हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला ही अलैह। यहाँ के आलिमों से और यहाँ के रहने वाले लोगों से पता चला है कि हाजी अली सरकार उज्बेकिस्तान एक शहर है वहाँ से बिलोंग करते हैं। और उज्बेकिस्तान में एक मर्तबा का वाक्या पेश आया कि हाजी अली सरकार अल्लाह की इबादत कर रहे थे तन्हाई में, तो ऐसे में एक खातून रोते हुए रास्ते से गुजरी। तो हाजी अली सरकार ने उसे रोने की वजह पूछी कि तेरे रोने का सबब क्या है। तो वो औरत ने कहा, हुजूर मैं तेल लेकर आ रही थी तो रास्ते में मेरा तेल गिर गया, अब मैं घर पे खाली हाथ लौटूंगी तो मेरा शौहर मुझे मारेगा, चिल्लाएगा, पीटेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मेन गेट पे पहुंच चुके हैं। चलिए हम अंदर जाते हैं, उनकी ज़ियारत करते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हाजी अली सरकार फरमाते हैं कि तेरा तेल कौन सी जगह पर गिरा था, मुझे लेकर चल। वो खातून उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर तेल उसका गिरा हुआ था। तो हाजी अली सरकार ने देखा कि वो जहाँ पर तेल गिरा हुआ था वो ज़मीन ने सोख लिया था तेल। तो हाजी अली सरकार ने अपना अंगूठा मुबारक जो है वो ज़मीन के अंदर, हाजी अली सरकार अपना अंगूठा घुसा देते हैं। जैसे ही हाजी अली सरकार ज़मीन के अंदर अपना अंगूठा डालते हैं तो ज़मीन से तेल का चश्मा फूट निकलता है, तेल का चश्मा निकलने लगता है। भाई।
और वहाँ से वो औरत तेल लेकर अपने घर के लिए रवाना होती है। ये अल्लाह वालों की शान ही अलग होती है और माशाअल्लाह अल्लाह वालों की सोबत में रहकर बड़ा ही फैज मिलता है। तो वहाँ से तेल का चश्मा निकलने लगा, वो औरत तेल लेकर चली गई। हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद हाजी अली सरकार को ख्वाब आने लगे, बेचैनी के ख्वाब आने लगे कि आपने जमीन को जख्मी कर दिया, आपने अंगूठा जमीन पर डालकर जमीन को जख्मी कर दिया। हाजी अली सरकार ने ये सारा वाक्य अपनी अम्मी जान की बारगाह में पेश किया तो अम्मी जान ने कहा, बेटा तू कुछ दिनों के लिए मुंबई चले जाओ, वहाँ पर तिजारत किया करो। तो हाजी अली सरकार अपने भाई के साथ में मुंबई की सरजमीन पर आए तिजारत के लिए और माशाअल्लाह हाजी अली सरकार ने यहाँ पर दीन फैलाना शुरू किया। एक मकाम ऐसा आया कि हाजी अली सरकार के जो मुरीदीन थे सब के सब हज के लिए रवाना हुए, तो हाजी अली सरकार भी अपने मुरीदीन के साथ जहाज में हज के लिए रवाना हुए। मामला ऐसा पेश आया कि हाजी अली सरकार का जहाज में ही विशाल हो गया और उसके बाद में हाजी अली सरकार ने पहले से ही वसीयत कर दी थी कि अपने मुरीदों को कि जब मेरा विशाल हो जाए तो मुझे जमीन में दफन मत करना, मेरे लाशें को समुन्दर में ही छोड़ देना और अल्लाह के हवाले कर देना। तो आपके मुरीदीन ने भी जो आपकी वसीयत थी आपकी वसीयत पर अमल करते हुए आपके लाशें को समुन्दर में छोड़ दिया और अल्लाह की कुदरत देखिए कि समुन्दर में जहाज जो था वो हिंदुस्तान से बहुत दूर जा चुका था और आपके मुरीदीन ने लाशें को समुन्दर में छोड़ दिया और समुन्दर में लाशा बहते बहते उसी मकाम पर आकर रुका जहाँ पर आप कयाम किया करते थे और जहाँ पर आपकी दरगाह पाक आज जो है यहाँ पर बनी हुई है। सबसे बड़ी करामत जो है हाजी अली सरकार की, अक्सर यहाँ पे चारों तरफ समुन्दर है तो हाई अलर्ट कभी भी आती है जब मुंबई में ज्यादा बारिश होती है। तो ये हाजी अली सरकार की दरगाह जो है जहाँ पर जो आने का रास्ता है वो डूब जाता है, लेकिन जो पानी का एक कतरा भी हाजी अली दरगाह की चौखट पे नहीं आता माशाअल्लाह। कितनी प्यारी बात है कि हाजी अली सरकार का अदब ये समुन्दर भी है जो कर रहा है, ये पानी हाजी अली सरकार का अदब करता है कि चौखट तक पानी नहीं आता। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नाजरीन के हो सके तो यहाँ पर जरूर आए और मेरे लिए भी दुआ कीजिए और तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि अल्लाह वालों की बारगाह में आकर जो दुआ मांगे अल्लाह पाक कबूल करते हैं और अल्लाह के वली हमारी जो इल्तिजा हो अल्लाह की बारगाह में पहुंचाते हैं, वो दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए। दरगाह का काम चल रहा है इसलिए अंदर जाना मना है। दरगाह में काम चालू है और अभी हमारे जोहर की नमाज अदा करनी है, तो चलिए अब हम जोहर की नमाज अदा करते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी बेहतर माहौल है और पानी भी काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी वक्त के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ, वैसे रमज़ान में भी टाइम नहीं मिला, ईद पर भी व्लॉग नहीं बना सका, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो और सरकार का बुलावा आ गया हाजी अली सरकार का, तो व्लॉग बन गया है।